नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। पाइल्स यानी बवासीर एक ऐसी बीमारी है जिसमें बैठना भी मुश्किल हो जाता है। मेडिकल भाषा में इसे हेमरॉइड्स कहा जाता है। जो लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं वो इस समस्या को बहुत अच्छे से समझते होंगे। इसकी वजह से एनस के अंदर और बाहर या किसी एक जगह मस्से जैसी स्थिति बन जाती है, जो कभी अंदर रहते हैं और कभी बाहर भी आ जाते हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि बवासीर भी दो तरह की होती है, पहली खूनी बवासीर और दूसरी मस्से वाली बवासीर। खूनी बवासीर में मलत्याग करते हुए पीड़ा होने के साथ खून भी बहुत निकलता है, जबकि मस्से वाली बवासीर में पीड़ा और खुजली की समस्या होती है। वैसे तो बवासीर के लिए कई चीजें फायदेमंद होती हैं, लेकिन आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बवासीर में किशमिश किस तरह फायदा पहुंचाती है। दरअसल किशमिश जिंक, कैल्शियम और फाइबर से भरपूर होती है, जो कि बवासीर में काफी फायदा पहुंचा सकती है। ये बाउल मूवमेंट को सही करती है। बवासीर में अगर आप किशमिश को भिगोकर खाएंगे तो ये स्टूल को हल्का करेगी और कब्ज दूर करेगी। कुछ लोगों को बवासीर में खून आता है, जिससे शरीर में खून की कमी हो सकती है। ऐसे में किशमिश में मिलने वाला आयरन शरीर में खून की कमी को दूर कर सकता है। वहीं बवासीर से पीड़ित व्यक्ति को कमजोरी और थकान का सामना करना पड़ता है। ऐसे में किशमिश का सेवन करने से ये आपके शरीर को एनर्जी प्रदान करता है और आपकी कमजोरी और थकान को दूर करती है। बवासीर की समस्या में पीड़ित व्यक्ति का पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो जाता है। ऐसे में रात को भिगोए हुए किशमिश और किशमिश का पानी सुबह के समय सेवन करने से पाचन तंत्र ठीक से काम करने लगता है और ये आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में आपकी मदद कर सकता है। इसके अलावा बवासीर में आप किशमिश को दो प्रकार से खा सकते हैं। पहले तो रात में पानी में किशमिश भिगो कर रख दें, उसके बाद सुबह उठकर इन भिगोए हुए किशमिश का सेवन करें। इसके अलावा आप बवासीर में किशमिश का पानी भी पी सकते हैं। इसके लिए किशमिश को उबाल कर रख लें, फिर इसके पानी को छान लें और ठंडा होने के लिए रख दें। अब इसका सेवन कर लें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।